शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो अपनी उम्र से पहले बूढ़ा दिखना चाहे या बुजुर्ग दिखना चाहे या अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र का दिखना चाहे। लेकिन आज के टाइम में ऐसी कंडीशंस डेवलप हो गई, ऐसे मेडिकल इशू आने स्टार्ट हो गए या क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए कि कई बार कई व्यक्ति अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा उम्र के दिखने लग गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। एंड ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सर्दियों को एंजॉय कर रहे हो, हेल्दी हेल्दी खाना खा रहे हो, सीजनल फ्रूट्स खा रहे हो, संतरे का सेवन कर रहे हो, मक्की की रोटी, साग का सेवन, मेथी, चुलाई, तो ये सारी इस सीज़न की चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती हैं। तो आज की वीडियो जो है वो इसी के रिलेटेड है, इसके रिलेटेड नहीं, यानी कि फ्रूट्स और सब्जियों के रिलेटेड नहीं, लेकिन हाँ, आप 35 साल में 25 साल का कैसे देख सकते हैं, या फिर जो चेहरे की झुर्रियां हैं आप उसे अलविदा कैसे कह सकते हैं, यानी कि आपको हमेशा के लिए अलविदा कहना है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आज के वक्त में कम उम्र में झुर्रियां क्यों स्टार्ट हुई, रिंकल्स या स्किन लटकना क्यों स्टार्ट हो गई। एक्ने बहुत टाइम से हैं, पिंपल्स बहुत टाइम से हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, अब हमें नहीं पता ये प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं है, कैसा रिएक्शन देगा। और पिछले कुछ टाइम में मार्केट में एक अलग सा ट्रेंड आया, फाइन लाइंस को ख़त्म करें, रिंकल्स को ख़त्म करें, विटामिन ए, रेटिनोल हम यूज़ करें, विटामिन सी सीरम, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कॉलेजन बूस्टर, तो तरह तरह के ऐसे प्रोडक्ट आने लगे, हम उसका इस्तेमाल करते हैं एक भरोसे के साथ, जहां हम बिल्कुल भी गलत नहीं है। बीइंग ए कस्टमर, हम लोग जो हमें बताएगा ना हम ट्रस्ट करेंगे, आप मेरी बात पे भी ट्रस्ट करोगे। लेकिन जब उनका साइड इफेक्ट हमारे सामने आता है तो उसका सबसे पहला जो इन सारी चीज़ों का इफेक्ट दिखता है वो हमारी स्किन पर दिखता है। बिल्कुल रिंकल्स बन रहे हैं, यहाँ पे अजीब से रिंकल्स बन रहे हैं, अंडर आई के नीचे स्किन यहाँ से अजीब सी लटकना स्टार्ट हो जाती है और इस तरह के पूरी स्किन जो है झुर्रियाँ दिखाना स्टार्ट कर देती है। फैक्टर्स तो मैंने आपको बताए, वहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट के लिए अलग अलग थेरेपीज करवाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं किसी थेरेपी को गलत नहीं बोलूँगी, हर थेरेपी की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कह रही अगर 100 लोग हैं क्या पता 5 ठीक हुए हैं, पहचान में ठीक ना हो, क्या पता पहचान में ठीक हुए हो 5 ठीक ना हुए हो। लेकिन आज मैं एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिसमें आपको किसी भी थेरेपी की नीड नहीं है। अगर आप मेरे कहे पे मात्र 21 दिन ये रेमेडी कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको 30-40% रिजल्ट इंस्टेंट मिलेगा आपकी पुरानी से पुरानी झुर्रियों में। हाँ, अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, मेनोपोज हो गया है या फिर मेल है लेकिन एज फैक्टर है, वहाँ पे इफेक्ट थोड़ा स्लो हो सकता है बट मिलेगा ज़रूर। हमारे घर में एक ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जो हमारी स्किन को बहुत हेल्दी करके रिपेयर करती है, रीहील करती है और डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करती है, जो क्रैक्स आ रहे हैं उसे भरना शुरू करती है। और ऐसा जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे किचन में प्रेजेंट है, वो है मलाई। तो इसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, आपको चाहिए ठंडी मलाई जो आपके फ्रिज में हमेशा पड़ी रहे। दूसरा इंग्रेडिएंट है लेमन जूस, यानी कि विटामिन सी जो रिच रहता है। बहुत सिंपल रेमेडी है, आपको क्या करना है, मलाई लेनी है, उसमें आपको ऐड करनी है जस्ट 4-5 बूंद लेमन जूस की, उसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे मानिए झाइयों के जो आपके क्रैक्स है वो नीचे की डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो आपको ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे स्टार्ट करना है। और आपको करनी है 10-15 मिनट रेगुलर मसाज, बहुत हार्ड मसाज करनी है आपको, ऐसे ऐसे स्मूदली स्मूदली नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज करना है, जैसे स्लो स्लो करते करते फिर एकदम से आप फास्ट आएंगे, स्लो फिर करना है फास्ट करना है। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप दिन में 2 बार करिए, नहीं तो 1 बार तो करना ज़रूरी है ही। इसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि मैम एक दिन छोड़ के कर लें या हफ्ते में 2 बार कर लें, नहीं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए जैसे कि हमारी बाकी रेमेडीज दे रही हैं, तो आपको डेली उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जब आपने अच्छे से मसाज कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारे घर में 2 तरह के टावल होते हैं, एक खुरदरा सा टावल होता है, थोड़ा हार्ड सा होता है, एक बहुत सॉफ्ट होता है, तो आपको हार्ड टावल लेना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे अपने मसाज की उस तरफ में आपको अपने फेस को रब करना है, ऐसे करके, फोरहेड पे है तो फोरहेड पे ऐसे करके आपको पूरा रब करना है, यहाँ पे पूरा इस तरह से 2-3 मिनट आप रब करेंगे। और उसके बाद नॉर्मल पानी से, गुनगुना पानी भी यूज़ नहीं करना है, मेक श्योर यू हैव टू टेक नॉर्मल वाटर जो रूम टेम्परेचर पर होता है, उससे आपको पूरे फेस को वॉश करना है और नॉर्मल टॉवल से उसको क्लीन कर लेना है। कितना सिंपल है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। ये जो आज मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ये एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, किसी का एक्सपीरियंस जिसने 40 साल इस रेमेडी को इस्तेमाल किया है यंग रहने के लिए, और आज उनकी उम्र 70 साल के करीब है लेकिन वो ऐसे लगते हैं कि लगभग 40-45 साल के हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ ना बुज़ुर्गों के तजुर्बे भी आपसे शेयर करती हूँ जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करते हैं कि इस रेमेडी ने हमें इतनी हेल्प की है।
यंग रहने के लिए। छोटी छोटी बच्चियां हैं, कील मुहासे हो गए, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, कभी भी ये गलती नहीं करनी कि उसको आप इस तरह से दबा दबा के निकाल देते हो, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी सारी लाइफ टाइम के लिए स्ट्रगल करवा सकती है। और वो स्ट्रगल क्या रहेगा, निकालने का, और धीरे धीरे वो स्कार, फेस में खुरदरापन, अजीब से स्पॉट्स, ये सब रहना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, कभी भी आपको पिंपल बने उसको कभी भी नेल से छीलो मत। इचिंग होगी, कॉटन ले लो, कॉटन से ऐसे ऐसे इचिंग कर लो, लेकिन उसे कभी भी ऐसे खुरचना नहीं है। स्कार बनते हैं, पिगमेंटेशन है, फाइन लाइंस बन रही है, रिंकल्स बन रही है, स्किन ड्राई हो रही है, मतलब मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे अपेयर होना स्टार्ट होती है। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि कभी भी कोई भी पेशेंट आता है और मैं सवाल पूछती हूँ कब से हुआ, कैसे हुआ, तो उनका आंसर होता है पता नहीं, हुए तो पिंपल थे पर वो पिगमेंटेशन कैसे बन गई या ये प्रॉब्लम कैसे होगी, ये हमें पता ही नहीं चला। तो आप अगर खुद को इन चीज़ों से दूर रखना चाहते हो, बार बार फेस को टच नहीं करना है, जो दिन में हम 10 बार करते हैं, नहीं, रेमेडी कर ली। इसके बाद सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है, वो आपको करनी है अल्टरनेट डे पे, यानी कि उसमें आपको करना है, जो आपका टमाटर है वो आपका रिच इन विटामिन ए एंड सी है, तो यानी कि आपको रेटिनोल की भी नीड नहीं है और एस्कॉर्बिक एसिड की भी नीड नहीं है। आपको टमाटर का जूस निकालना है और अपने पूरे फेस पे शाम के टाइम पे जूस को अप्लाई करना है। 15 मिनट तक आप उसे लगा रहने दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे स्क्रब करके रिमूव कर लीजिए। ये दो रेमेडीज आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप भरोसा रखिए। जैसे आज तक आपको बाकी रेमेडीज से बेनिफिट मिला है, ये रेमेडीज आपको बिल्कुल यहाँ से यहाँ कर देंगी, यानी कि आपको इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि आपका फेस जितना भी वो रिंकल से भरा होगा वो क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के लिए हमने अपना नवारा ट्रीटमेंट जो है लॉन्च किया था, पिगमेंटेशन के लिए डिफरेंट सेगमेंट है, वैसे ही आपके फाइन लाइंस और रिंकल के लिए हमारा डिफरेंट सेगमेंट है, जिसमें हम थर्मोपैक यूज करते हैं अलॉन्ग विद वेरियस स्टेप, जो भी हमारी मरम चिकित्सा है, तो वो उसकी बुकिंग भी आप कर सकते हैं। रिंकल्स के लिए आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। यार देखिए, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप मुझसे ही लीजिए, मैं कहती हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप स्टार्ट करिए, हमारा रिव्यू चैनल देखिए, बिल्कुल आपको जेन्युइन रिव्यूज मिलेंगे। डॉक्टर उपासना वोरा, जो आपको यहाँ पे आ रहा है, एक बार जाके देखिए, क्या पता कभी आपका मन कर जाए। दूसरा, मेरा यही इकलौता चैनल है जहाँ पे मैं रेमेडीज बताती हूँ, इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी मेरी किसी भी तरह की क्लिप्स आपको दिखाई देती है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हमारी कंपनी के नाम पे मेरी वीडियोस का मिसयूज किया गया और बहुत तरह के फ्रॉड हुए जो कि हमारे सामने आए। तो आप लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और वो जिन्होंने भी ये फ्रॉड किए हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो मेट्रो सिटीज में उन एड्स को रन नहीं कर रहे हैं, विलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आपके सामने भी कहीं गलती से मेरी कोई एड आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो आप प्लीज उसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, यानी कि जहाँ पे जो शोर है डॉक्टर उपासना वोरा, वहाँ पे वो लिंक जरूर शेयर करिएगा। इस रेमेडी का चैलेंज मैं आपको 21 दिन का देती हूँ, 21 दिन करने के बाद आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और बाकी कितने दिन आप कर सकते हो जब रिजल्ट मिलने लगेगा तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद करना स्टार्ट कर दोगे। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा सपोर्ट दिया है, बस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो का हम प्लीज़ टारगेट लेके चलेंगे। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 5000 लाइक चाहिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं व्यूज़ के अकॉर्डिंग, और वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।